सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके सातवें दिन दोपहर 4 बजे से लेकर साई 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात साई 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। पर परम दयालु गोस्वामी तुलसी दास महाराज जी के 40 दिवसीय जयंती भगवत आराधना महामहोत्सव में अपनी सहभागिता निभाते हुए प्रभु राजनों का परम लाभ प्राप्त करते हुए अपनी जीवन को धन कर रही हूँ। अभी अभी अयोध्या धाम से भरे हुए पूज्य श्री आचार्य संतोष जी महाराज विशेष रूप से अपने सभी भक्त मंडली के साथ हनुमान चालीसा के पाठ व सुंदरकांड के द्वारा परम दयालु गोस्वामी जी के महामहोत्सव में अपनी हाजिरी लगा रहे थे। श्री बलदेव कृष्ण जगात्री वाले जिन्होंने जीवन भर श्री विनोद अग्रवाल जी के साथ देश व विदेशों में भगवान के प्रिय रसिक वैष्णवों को भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा पद्म सुख दिया। भगवान के जो रसिक होते हैं सबको होते हैं अजर अमर होते हैं, जिनकी मृत्यु नहीं होती है। तो जैसे भगवान श्री हरि नित्य हैं ऐसे ही उनके संत वैष्णव सुख नित्य होते हैं। श्री मुकुंद हरि जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, सूरदास जी, तुकाराम जी, जिन्हें नाम त्याया गए काल नानक के पूज लेके की छुट्टी नाल जिन महापुरुषों ने भगत रखों भगवान के सुजस को गाया है सदा के लिए जाते। हमारे महापुरुष कहते हैं शब्द ब्रह्म है, तो जो भी हम सत्य वचन बोलते हैं वो सदा के लिए अजर हो जाते हैं।
माँ भगवती गीता का उपदेश आदि करती हूँ। जैसे भगवान गोविंद ने अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया, अन्य ऋषि मुनि गुरुजनों ने जो सत उपदेश दिया वो आज भी आकाश में शक्ति के रूप में विद्यमान है और आज का ज्ञान भी इस बात को मान रहा है। जिन्होंने महापुरुषों ने अपने जीवन में भगवत आराधना करी है दूसरों को करवाई है। आप जप ही अवर नाम जपावहि ताकि महिमा गनी न जावे, उनके अनंत महिमा को हमारे सतग्रंथों ने गाया है। आज कैसे ही भगवत रति भगवत प्रेमी महापुरुष का जहाँ स्मरण कर रहे हैं, श्री गोलोकवासी यशोदानंद आचार्य जी महाराज जो जलंधर क्षेत्र में हमारे करतारपुर पंजाब के करीब करीब सभी शहरों में उनका आना था, समय के वो गंधर्व थे। हमने कई वर्षों तक उनके जिनके नाम से श्रवण किया है,